लास्ट ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, पल पल पलटी बाजी, फिर नहीं मिला आरसीबी को किस्मत का साथ। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। केकेआर ने जबड़े से छीनी जीत, आईपीएल 2024 के 36वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को एक रन से हराया। ईडन गार्डन्स के मैदान में खेले गए मुकाबले के आखिरी ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सांस रोके देने वाले मैच में केकेआर की टीम एक रन से बाजी मारने में सफल रही। करण शर्मा शानदार बैटिंग करने के बावजूद टीम को जीत नहीं दिला सके। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक 18 गेंदों और 25 रन बनाकर आउट हुए। केकेआर के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। गौतम गंभीर समेत कोलकाता की पूरी टीम को जीत की पक्की लगने लगी। आखिरी ओवर में जीत के लिए आरसीबी को 21 रन की दरकार थी और क्रीज पर करण शर्मा और लॉकी फर्ग्यूसन मौजूद रहे। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंद मिचेल स्टार्क के हाथों में थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत की उम्मीद खो दी थी। हालांकि मैच के आखिरी ओवर में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हर गेंद के साथ बाजी पलटी और ईडन गार्डन्स के मैदान पर फैंस ने वो सब कुछ देखा जो वह एक T20 मुकाबले में देखने की चाहत रखते हैं। मिचेल स्टार्क्स के हाथ से निकली ओवर की पहली ही गेंद पर करण शर्मा ने जोरदार सिक्स जड़ दिया। करण के बल्ले से निकले इस छक्के ने मानो आरसीबी के खेमे में फिर से जीत की उम्मीद जगा दी। ओवर की दूसरी गेंद करण के बल्ले का भारी किनारा लेकर कीपर के दस्तानों में गई। स्टार्क ने जोरदार अपील की और थर्ड एम्पायर का रुख किया गया। रिप्ले में देखा गया कि बॉल फिल सॉल्ट के दस्तानों में जाने से पहले जमीन को छू गई। करण बच गए। ओवर की तीसरी गेंद पर करण ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। इस सिक्स के साथ ही केकेआर के खेमे में खलबली मच गई। आरसीबी की टीम को इस रोमांचक मैच में जीत मुमकिन लगने लगी। ओवर की चौथी गेंद पर फिर करण ने बल्ला घुमाया और एक बार फिर गेंद डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के पार जाकर लगी। अब जीत के लिए दो गेंदों पर आरसीबी को महज 3 रन की दरकार थी। आरसीबी की जीत अब पक्की होने लगी थी। हर किसी को लगा कि यह मुकाबला पलट चुका है। हालांकि अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। ओवर की पांचवी गेंद पर स्टार्क ने करण शर्मा को अपनी ही गेंद पर लपक लिया। करण 7 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद आउट हो गए। बेंगलुरु के खेमे में सन्नाटा छा गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।